डियर फ्रेंड्स, अपना किचन आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाइए, बाजू में बेल बटन भी वो भी दबा के रखिए। थैंक्स अ लॉट। भाइयों बहनों, आलू बड़ी बनाने के लिए अरबी के पत्तों लेके रखी हूँ। इसे एक एक पत्ते के लिए 2 मिनट लगा के आप आगे पीछे अच्छी तरह से धो कर लीजिए, क्योंकि मट्टी रहेगा इसमें। ऐसे पूरा पत्ता मैंने धो के रखी हूँ और इसका जो जाड़ा नव जो दिख रही है इसको निकालना ज़रूरी है। ऐसे ही पूरा पत्तों का जाड़ा नव रहेगा तो निकाल देंगे। अभी कैसे निकालेंगे करके मैं आपको दिखाऊंगी। हल्के हाथों से, नाइफ से, धीरे से हम निकाल देंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो जब खाएंगे तो मुंह में इचिंग प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसे निकालना ज़रूरी है। ऐसे ही धीरे से हम निकाल देंगे पूरा पत्ते। ऐसे निकाल के लीजिए। बेसन 300 ग्राम रखी हूँ, धनिया पत्ता साफ करके रखी हूँ, रेड चिल्ली पाउडर, हिंग पाउडर, जीरा, शक्कर, नमक, ग्रीन चिल्ली 2 पीसेस, अदरक, हल्दी पाउडर, 10-12 लहसुन के टुकड़े, तिल तड़का देने के लिए लगेगा। अभी मिक्सर जार में गार्लिक पीसेस डालेंगे, ग्रीन चिल्ली और अदरक, 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा नमक, धनिया पत्ता, थोड़ा सा पानी डाल के हम पेस्ट करके लेंगे। हो गया पेस्ट, धनिया पेस्ट रेडी है। अभी बेसन के साथ मिलाएंगे पेस्ट। स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून शक्कर डालेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, 1/4 से ज़्यादा डालिए, हिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक थिक बैटर हम तैयार करके लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिए, इसमें लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए और बैटर जो है गाढ़ा हमें ही लगेगा। अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर बना के लेंगे हम। इसका कंसिस्टेंसी आप ध्यान दीजिए। हो गया, अभी साइड में रख दिया। अभी दूसरा एक बड़ा बर्तन में पानी डाली हूँ, स्टोव पे रखी हूँ, उसके ऊपर स्टैंड लगाइए, स्टैंड के ऊपर प्लेट लगाइए, प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा के लो फ्लेम में मैंने स्टीम करने के लिए रेडी रखी हूँ। अभी हम पत्तों को रेडी करेंगे, उसका फिलिंग कैसे करना है देखेंगे। एक पत्ता मैंने उल्टा करके रखी हूँ, प्लेट के ऊपर रखी हूँ। अभी इसमें हम बैटर जो तैयार किए हैं उसे अप्लाई करेंगे। स्पून से करेंगे तो भी ठीक है, हाथ से करेंगे तो भी आराम से फिल हो जाएगा। और जो लेयर जो है बारीक होना चाहिए, जाड़ा नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा लेके पूरा पत्तों में हम फिल करके लेंगे, स्प्रेड करके लेंगे। बैटर जो है इतना ही थिक होना चाहिए। अभी ये पत्ता रेडी है। दूसरा पत्ता लेंगे, इसे अपोजिट डायरेक्शन में सीधा डाल रही हूँ। इसमें भी बैटर डालेंगे, हल्के हाथों से अच्छी तरह से अप्लाई करके लेंगे। तीसरा पत्ता अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा करके मैं डाल रही हूँ। ऐसा 4 पत्ता
फिल करके साइड में बैटर से बंद करके रखी हूँ। अभी इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। अभी रेडी है, प्लेट के ऊपर रख रही हूँ। लो फ्लेम में 30 to 40 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। स्टीम आने लगा, इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे। साइड में गैप रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। प्लेट के ऊपर एक वजन रख रही हूँ, स्टीम बाहर नहीं निकलेगी, जल्दी पकेगी। देखिए अभी हो गया, कम से कम आधा घंटे में ये रेडी भी हो जाएगा। अभी मैं आपको पीसेस करके दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए मैं इसकी लेयर दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छा लेयर आया है इसका, परफेक्ट बना है। सब आपके हिसाब से आप पीसेस करके लीजिए, मीडियम साइज में। इसे तड़का देंगे। अभी लास्ट प्रोसेस, हमारी पैन रेडी है। लो फ्लेम में 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाली हूँ, आधा टीस्पून जीरा, 1 बड़ी चम्मच तिल डाल रही हूँ। भूनेंगे, कड़ी पत्ता थोड़ा सा, 2 ग्रीन चिली डाल देंगे बीच में काट के, और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके ऊपर कटी हुई आलू वड़ी डाल रही हूँ। दो मिनट के लिए इस तरफ और 2 मिनट के लिए उस तरफ, दोनों तरफ पलटी करके शैलो फ्राई करके हम लेंगे। थोड़ा ब्राउन होने के बाद हम निकाल देंगे। अभी हो गया, पूरा फ्राई करके ले लिया। तो भाइयों बहनों, इस आलू वड़ी ये रेनी सीजन में ज़रूर बनाइए, गर्मा गर्म चाय के साथ। चाय लाइट हो या खड़क हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरी फेवरेट है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।